नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है प्रयागराज से। आपको बताते चले विधानसभा 269 में जैसे विधायक प्रत्याशी संदीप पटेल आज भगोर चंदापुर पांडेपुर अत्याधिक गांव में जनसंपर्क करते हुए नेजा वासियों से जीत की अपील की है। वहीं आपको बता दें भभौरा चंदपुर में सपा कार्यकर्ताओं की लगी लंबी कतार। वहीं कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सभी लोगों से 22 फरवरी को साइकिल को वोट करने की अपील की है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए वैभव यादव की रिपोर्ट। चाहे आदरणीय जी सरोज जी हो, चाहे कुंवर रेवती रमन सिंह जी हो, चाहे रामाश्रय विश्वकर्मा जी हो, चाहे आज हमारे हाकिमलाल बिंद जी हो, चाहे हमारे राज्यपाल कश्यप विशंबर निषाद जी हो, हमारे समाजवादी पार्टी ने, चाहे पूजा पाल जी हो, समाजवादी आदरणीय नरेश उत्तम जी हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी समाज के लोगों को सम्मान देकर के आगे बढ़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि गांव का विकास होगा तभी गरीब का विकास होगा, इसलिए समाजवादी पार्टी गांव का विकास करना चाहती है। हमारे नेता ने भी एक बड़े वचन पत्र दिया है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब चुनाव में आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया 15 लाख रुपया देने की बात कही, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही। इतना तक सम्मानित साथियों, जब लोगों ने उसे 2 करोड़ नौकरी मांगा, नौजवानों ने नौकरी मांगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी की जगह पर लाठियां चलाने का काम किया। भैया जिंदाबाद। आय दोगुनी करने की बात कहा, जब किसानों ने आय दोगुनी करने के सवाल पर खाद की मांग किया, तो खाद मांगने वाले किसानों पर भारतीय जनता पार्टी ने लाठी चलाने का काम किया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है जो समाज के हर वर्गों का विकास करना चाहते हैं। समाज के